சித்தம் சுத்தம் பணமிய ஜினிந்தவரணேமி சந்தமகலங்கம் குணரயணபூஷணுதயம் ஜீவஸ பருவணம் ஓச்சம். கிருஷ்ணலேஷா கா க்ஷேத்ர தேக் ரஹே தே உஸ்மே வோ பூரா ஹுவா தா. கிருஷ்ணலேஷா கா ஸ்வஸ்தான் ஸ்வஸ்தான் விஹாரோ ஸ்வஸ்தான் ஃபிர் உஸ்கா கஷாய வேதனா சமுத்காத் வைக்ரேக் சமுத்காத் ஏ சப் க்ஷேத்ர தேக்கா ஹே. உஸ்மே தோ தீன் பத் நஹி ஹோதே, தேஜஸ் சமுத்காத், தாரக் சமுத்காத் ஔர் கேவலி சமுத்காத், தே தீன் பத் நஹி ஹோதே. தோ சாத் பதோ மே அப்னே உஸ்கா க்ஷேத்ர தேக்கா தா. तो कृष्ण लेशा जीवों का जो क्षेत्र है उसको सामान्य से सब सिद्ध किया, पांच लोक की अपेक्षा से भी उसको बताया है. मतलब पांच लोक है, एक सामान्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक और मनुष्य लोक. तो उसमें सामान्य लोक क्या है, 343 घनराजु प्रमाण, उसको सामान्य लोक कहते हैं. अधोलोक जो है नीचे 7 राजु प्रमाण जो है उसको अधोलोक कहते हैं. तो वो उसको लोक का 4/7 भाग वो अधोलोक आएगा और लोक का 3/7 भाग ऊर्ध्वलोक आता है. पूरा घन घनलोक होता है दोनों मिला करके, वो 4 भाग और ये 3 भाग दोनों मिलाए तो 7 भाग, मतलब पूरा घनलोक होता है. और तिर्यक लोक जो है वो कितना है, 7 राजु लंबा लेना उसको. तो उसका जो नाप निकालते हैं तो पहले भी अपन ने निकाला था, जगत प्रतर भागेले 49 गुणित 100,000 योजन ऊंची, उसकी ऊंचाई लेना, क्योंकि एक राजू और 7 राजू लंबा. तो उसके जो है उसके अपन ने क्या किए कि 100,000 योजन के 7 भाग किए और उसको एक के ऊपर एक रखा. तो जगत श्रेणी है वो जगत प्रतर हो जाएगा, क्योंकि एक राजू चौड़ाई है और जो उसकी ऊंचाई थी 100,000 योजन, उसको अपन ने क्या किया, एक एक 7 भाग किए और 7 स्लाइस, मतलब जो टुकड़े हैं उसको एक के आगे एक रखा. तो 7/7 वह चौक तैयार हो गया, चौक चौरस. और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 100,000 योजन का 7वां भाग. तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, जगत प्रतर भागीले 100,000, मतलब गुणित 100,000 योजन का 7वां भाग ऐसा हो जाएगा. मतलब वो राजू जगत प्रतर को 49 से भाग दो और 100,000 से गुना करो, तो उसका ये अर्थ होगा. और मनुष्य लोग जो है संख्यात घनांगुल प्रमाण है, 2.5 द्वीप लेना है ना, केवल 45,00,000 योजन, उसका घनांगुल में रूपांतर करेंगे तो संख्यात घनांगुल ही बनेंगे प्रमाणांगुल से. तो इन पांच लोगों की अपेक्षा से कितना है कृष्णलेशा वाले का, स्वस्थान स्वस्थान वेदना कषाय मरणांतिक उपाद, ये तो सर्व लोक है, उसका देखने की जरूरत नहीं. विहार व स्वस्थान और वैक्रेक समुद्घात क्षेत्र ही कम है. तो वो पांच लोगों की अपेक्षा से देखेंगे तो कितना है, तो सामान्य लोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से देखेंगे तो असंख्यात्वा भाग मात्र ही है, क्यों सब जगत श्रेणी और उसमें ही आया है प्रमाण. वैसा वैक्रिक समुद्घात का और उसका देखा था ना, असंख्यात जगत श्रेणी गुणित घनांगुल का वर्ग इतना आया था. तो ये 3 लोगों की अपेक्षा से असंख्यात्वा भाग ही है, क्योंकि जगत प्रतर की अपेक्षा जगत श्रेणी जो है वो असंख्यात्वा भागी है ना, इसलिए उसको असंख्यात्वा भाग कहा. और तिर्यक लोक की अपेक्षा से देखेंगे उस तो उसका संख्यात्वा भाग होता है, और मनुष्य लोक की अपेक्षा से वो असंख्यात गुना क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वो तो मनुष्य लोक छोटा है, संख्या 45,00,000 योजन प्रमाण है, उसकी अपेक्षा से जगत श्रेणी जो है वो असंख्यात गुणी है. इसलिए विहार व स्वस्थान तो केवल त्रस जीवों में से ही पाए जाएंगे ना, तो उसका ऊपर निकाला ना अपने क्षेत्र, विहार व स्वस्थान का वैक्रेक का दोनों का निकाला, वो पांच लोग की अपेक्षा से कितना है वो बताया यहाँ पर. वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र जो है वह तो 3-4 लोगों की अपेक्षा से असंख्यात्वा एक भाग मात्र है, क्योंकि वह जगत श्रेणी प्रमाण है ना. विहार व स्वस्थान का तो ज़्यादा क्षेत्र आया था, कितना आया था वो विहार व स्वस्थान का क्षेत्र, हाँ जगत प्रतर आए ना वहाँ पर, जगत प्रतर और उसको पन्नटी प्रतरांगुल से भाग दिया, मतलब ज्योतिष का राशि जो है
उसमें से वो एक भाग बहुभाग निकाल करके निकाले थे वह विहार व स्वस्थान की संख्या, और उसको संख्यात घनांगुल एक जीव का क्षेत्र से गुना किया था। तो जगत प्रतर में है ना, इसलिए तिरेक लोक की अपेक्षा से ये भी असंख्यात व भागी है, वो बहुत सारे जगत प्रतर है। और तिरेक लोक जो है वो जगत प्रतर का वो 49 भाग और 100,000 से गुणित किया उतना है, इसलिए उसका असंख्यात व भाग ही आएगा। हाँ नहीं, वो वैसा ही रखा ना, उतना ही क्षेत्र हो गया ना विहार व स्वस्थान का क्षेत्र, ये संपूर्ण जो राशि है उसको एक जीव के क्षेत्र से गुना किया, कैंसर कुछ नहीं किया वहाँ पर, वैसा ही रखा है। कौन से पेज पर आप गए? हाँ बराबर है, बराबर है ना, ये जगत प्रतर है ना, और वो नीचे प्रतरांगुल है और ऊपर घनांगुल है, उसका किया था ना उस दिन, प्रतरांगुल का घनांगुल में भाग दिया तो सूचंगुल आया। हाँ, चार मतलब प्रतरांगुल है और 6 मतलब घनांगुल है, तो प्रतरांगुल का भाग घनांगुल में देते तो सूचंगुल आता है, इसलिए जगत प्रतर संख्यात सूचंगुल गुणित जगत प्रतर है। और वहाँ जो इसका तिर्यक लोक का जो है वो जगत प्रतर भागेले 49 वा भाग है ना वह, और गुणित 100,000 योजन किया है, तो उसकी अपेक्षा से वह असंख्यात्वा भाग ही आता है, यानी उसकी अपेक्षा से संख्यात्वा भाग आता है। और वैकरिक समुद्घात की अपेक्षा से देखा जाए तो वह असंख्यात्वा एक भाग मात्र है, मनुष्य लोक से असंख्यात गुना है, मतलब 5 लोगों की अपेक्षा से सब धवला में ऐसा वर्णन किया है चौथी पुस्तक में, क्षेत्र और स्पर्शन का बताते समय एक सामान्य रूप से एक बताएंगे, फिर सामान्य लोग की अपेक्षा से एक क्षेत्र कितना है, उर्दो लोग की अपेक्षा, आदो लोग की अपेक्षा, तिरेक लोग की अपेक्षा और सामान्य लोग, तो ये 5 लोगों का प्रमाण पहले अपने दिमाग में फिक्स रखना, तो उसकी अपेक्षा से कितना है वो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि 343 घन राजू है, उसमें एक घन राजू होगा तो वो उसका संख्यात्व भाग होगा, एक घन राजू से कम है तो असंख्यात्व भाग में ही आएगा। और ये जगत प्रतर, ये अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से भी जगत प्रतर जगत श्रेणी सब असंख्यात्व भाग ही है, असंख्यात्व भाग, क्योंकि लोक जो है वो जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी है ना, तो जगत प्रतर भी लोक की अपेक्षा से असंख्यात्व भाग ही आता है, एक घनराज हुआ तो वहाँ अपन उसको अपन संख्यात्व भाग कह सकते हैं, क्योंकि 343 घनराज है ना वह, इसलिए। और तिर्यक लोक जो है वो भी जगत प्रतर के इसमें है, फॉर्मूले में है, जगत प्रतर का 49 भाग करो और 100,000 योजन से गुना करो उसको, तो इसलिए वो भी सामान्य लोक आदि की अपेक्षा से वो असंख्यात्व भाग ही है। हाँ नहीं सबका ले, नारकियों का तो सब निकालते, बहुत कम ही आता है क्षेत्र, इसलिए नारकियों की अपेक्षा से नहीं है, तिरंचों की और उसकी अपेक्षा से लिया ना यहाँ पर आगे। तो कृष्णलेशा वाले जीवों के अपेक्षा से एक क्षेत्र बताया, इसी प्रकार जैसा कृष्णलेशा का है उसमें कुछ अंतर नहीं है, खाली संख्या थोड़ी कम आएगी, नीललेशा वाले जीवों की और कपूतलेशा वालों की संख्या पहले निकाली है, तो कृष्णलेशा वाले ज़्यादा है बहुभाग, और उसमें जो एक भाग है उसका बहुभाग वो नीललेशा वाले में दिया था, तो नीललेशा वाले और कपूतलेशा वालों में भी इसी प्रकार क्षेत्र जानना, विशेष क्या है वो जीवों का प्रमाण किंचित कम जानना। तीनों अशुभ लेशा में तेजस समुद्घात, आरक समुद्घात और केवली समुद्घात, ये तीनों समुद्घात नहीं है, इसलिए 3 पदों की अपेक्षा यह क्षेत्र नहीं कहा है। अब यहाँ पर अशुभ लेशा का क्षेत्र बता पूरा हो गया, शुभ लेशा वालों जीवों का क्षेत्र कितना है, उस उन्होंने कितनी जगह को रोका है उसका क्षेत्र प्रमाण निकालना है, तो तेजोलेशा का क्षेत्र, हाँ तो उसका भी केवली समुद्घात नहीं होगा उसमें तेजोलेशा में, बाकी सब पद आएंगे उसमें, स्वस्थान स्वस्थान विहार स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैकृत समुद्घात, ये 5 का निकालेंगे, फिर उसके बाद मारणांतिक समुद्घात उत्पाद, और उसमें तेज समुद्घात और आहारक समुद्घात भी होगा, केवल केवली समुद्घात नहीं आएगा, 9 समुद्घात होंगे, तो उसकी अपेक्षा से निकालते हैं।
तेजोलेशा का क्षेत्र निकाल रहे हैं, उसमें तेजोलेशा वाले जीवों की प्रधानता कहाँ पर पाई जाएगी? ज्यादा संख्या जो है वो ज्योतिष का देव है, और उसमें बाकी के जो देव है भुवनत्रिक, अंतरवासी और सौदर्मय ईशान स्वर्ग के देव और कुछ सानत कौन महेंद्र के देव, सब उसमें मिलाएंगे। तो देव राशि की अपेक्षा मुख्यता से यह तेजोलेशा वालों का क्षेत्र निकालेंगे, क्योंकि जहाँ ज्यादा संख्या पाई जाती है वहां पर क्षेत्र ज्यादा आएगा, इसलिए उसकी अपेक्षा से निकालते हैं। तो सबसे स्वस्थान स्वस्थान वाले जीव सबसे ज्यादा होते हैं बहुभाग प्रमाण, अपने अपने स्थानों में जो रहते हैं। विहार करने वाले जो जीव है उससे कम होते हैं, उससे कम वेदना समुद्घात वाले, वेदना समुद्घात करने वाले, उससे कम कषाय समुद्घात करने वाले, और उससे कम वैक्रिक समुद्घात करने वाले जीव की संख्या होती है। इसलिए पहले उनकी संख्या निकालते हैं, फिर एक जीव का जो क्षेत्र होगा उसको संपूर्ण जीवों से गुणा करेंगे तो पूरा क्षेत्र निकलता है। इसलिए पहले जीवों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तेजोलेशा वाले जीवों का प्रमाण। जैसे उदाहरण रूप से अपन ने माना कि 1,00,000 है, आगे उसमें दिया है उदाहरण, और 5 जो है वो संख्यात का प्रमाण माना, इसको भाग दिया तो कितना आया यहाँ 20,000। ये क्या हुआ, 1,00,000। और जो रहे शेष रहे 80,000, वो क्या हुआ, बहुभाग। तो बहुभाग जीव कौन है, पहले स्वस्थान वाले, स्वस्थान स्वस्थान, ये उदाहरण रूप से माना हुआ है। समझो कि 80,000 1,00,000 में से 80,000 जीव स्वस्थान स्वस्थान है। अब जो रहे 20,000, इसको वापिस 5 का भाग दो 1,00,000 को, तो कितना आया यहाँ पर 4,000 1,00,000 हुआ, और बहुभाग इसका क्या हुआ 16,000। तो ये ज्यादा 1,00,000 के बहुभाग कौन है, विहार व स्वस्थान वाले जीव है 16,000 जो है वो। फिर जो 1,00,000 रहा कौन सा रहा, 1,00,000 4,000, इसका वापिस बहुभाग निकालो, वो किसकी राशि होगी, वेदना समुद्घात वाले जीव की। तो इसको 5 का भाग दिया तो 8,000 आया, हाँ 800 आया, 800 आया। फिर शेष रहा 3,200, वे कौन होंगे, वेदना समुद्घात करने वाले जीव, बहुभाग, बहुभाग बहुभाग ये लेना है ना। और 800 1,00,000 रहा, उसको वापिस 5 का भाग दिया तो कितना आया 5 और 160 आए। तो 1,00,000 160 है वो वैकरिक समुद्घात वालों की संख्या है, और बाकी शेष रही 620 हो जाएगी ना, 640 जो है वो कषाय समुद्घात वाले जो होंगे, और 160 मतलब ये उदाहरण लिया है अंक संदृष्टि से कि 1,00,000 पूरे संपूर्ण तेजोलेशा वाले जीव है, तो उसमें से स्वस्थान स्वस्थान में रहने वाले बहुभाग, फिर 1,00,000 जो रहा उसके बहुभाग निकाला तो वो विहार व स्वस्थान हो गए, फिर 1,00,000 रहा उसका फिर बहुभाग निकाला तो 3,200 वेदना समुद्घात वाले हुए, और जो 1,00,000 रहा 800 उसका वापिस 5 का भाग ले करके 1,00,000 160 हुआ, तो बहुभाग 640 हुआ। तो इसी प्रकार अपने को अर्थ संदृष्टि से देखना है प्रमाण। सब मिला करके वापिस 1,00,000 हो जाएंगे पूरे जीव। जैसे यहाँ अर्थ संदृष्टि से जगत प्रतर भागिले पन्नट्टी प्रतरांगुल, इस ये ज्योतिषवासी देवों की संख्या है, इसमें संख्यात का भाग दे करके 1 अधिक संख्यात से गुना किया तो इसी में मिल गया, ये वेंतर देवों का प्रमाण है। और इसमें भुवनवासी सौधर्म देव मिलाने के लिए 2-3 रहेगा, आएगा ना 3 लाइन है, हाँ हाँ, बाकी के तिरियंच और मनुष्य भी मिलाए थे ना, ये तिरियंच और मनुष्य मिलाए, तिरियंच और मनुष्यों के भी मिलाए थे, ये तो 4 आ गए ना, ये 3 और 1,
एक जगह दे दो वाले अलग अलग दे दो, चलता है। ये पहले दे दिया समझो भवनवासी के लिए दिया, फिर वापिस रहे गए तो तिरेंचे मनुष्य और सौधर्म द्विक इनकी राशि मिक्स की, तो इतने कुल तेजोदशा वाले जीवों की संख्या हुई। उसमें से स्वस्थान स्वस्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पाँच का भाग दिया मतलब संख्यात का भाग दिया, और बहुभाग लेने के लिए चार से गुना करेंगे, तो ये बहुभाग जीव हो गए। फिर शेष रहा एक भाग जगत प्रतर, उसमें जगत प्रतर भागेले पन्नट्टी प्रतरांगुल, संख्यात का भाग दिया और तो एक भाग था, ये बहुभाग है और एक भाग है। अब एक भाग को वापिस क्या करना, संख्यात का भाग देना, तो एक भाग आया और चार से गुना किया, एक कम संख्या से गुना किया तो बहुभाग आया। फिर इसका जो एक भाग रहा जगत प्रतर भागेले पन्नट्टी प्रतरांगुल संख्यात, संख्यात अधिक एक और इसमें तीन लाइन, पांच पांच एक भाग था, इसको वापिस पांच का भाग दिया और चार से गुना किया तो ये बहुभाग आ गए वेदना समुद्घात वाले जीव। अब जो एक भाग रहा जगत प्रतर भागीले पन्नट्ठी प्रतरांगुल संख्यात का भाग दिया, संख्यात अधिक एक और इसमें कितने बार संख्यात का भाग आया है, पांच बार, तीन बार हुआ है, तो एक भाग था, इसको वापिस संख्यात का भाग दिया और चार से गुना किया तो बहुभाग आ गए। और जो एक भाग शेष रहे वो वैकृत जीवों का प्रमाण है, वैकृत समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण आएगा। कहाँ एक लगा रहे, वो उसकी संख्या निकालने के लिए करते ना, ये ज्योतिष का देवों की संख्या है और इसके संख्यात में भाग अंतरदेव है, तो उसको संख्यात का भाग दिया और एकाधिक संख्यात से गुना किया तो वो ऐड हो गए ना उसमें। ये हाँ आगे एक कहाँ लगा रहे, ये संख्यात है ना, वो लगा है ना, एक अधिक है ना, संख्यात और भाग मिलाने के लिए जिस संख्या से भाग दिया उसमें एक अधिक करके गुना करो। हाँ एक अधिक करके गुना करते तो उसमें वो भाग मिल गया। अभी एक भाग जो है ये चार बार आया ना ये, हाँ तो ये एक भाग ही है, तो ये वैकृत समुद्घात जीवों का प्रमाण है, मतलब पांचों राशि का प्रमाण निकालना, जीवों की संख्या निकाली। अब इसका एक एक जीव का जो क्षेत्र है स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र कितना है, उसको अपन जीवों की संख्या से गुणा करेंगे तो स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र पूरा आता है। तो एक देव की अपेक्षा तेजोलेशा वाले जो व्यंतर देव है, भुवनत्रिकादि देव है, उनकी अवगाना जो है वो कितनी है कि सात धनुष ऊंचा बताया, उनका शरीर कितना है, सात धनुष ऊंचाई, और उसका घनफल निकालो तो एक जीव का क्षेत्र आ जाएगा। तो घनफल निकालने के लिए शरीर की अवगाना देवों की अपेक्षा से निकालते हैं, तो उनका जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा सात धनुष मन का। हाँ ये बहुभाग है और वो एक भाग है, हाँ एक भाग है, बहुभाग लिया ना और वो एक भाग रखा है। तो शरीर की अवगाना कितनी है, तो इसकी चौड़ाई ऊंचाई जो कितनी मानी है, धनुष मानी है, और जो चौड़ाई होती है वो ऊंचाई की अपेक्षा से दसवां भाग। ये चौड़ाई शरीर की जो चौड़ाई होती है वो कितनी है, ऊंचाई की अपेक्षा से दसवां भाग है, इसलिए सात धनुष को क्या करेंगे, दस से भाग देंगे धनुषों में है। ये उसका हो गया व्यास,
और इसकी पूरी वो गोलाई प्रमाण पूरा घनफल निकालेंगे तो ये क्या हो गए, सात धनुष ऊंचाई और ये चौड़ाई। तो गोलाई प्रमाण उसका ये निकालेंगे तो वासोत्ति परही उस सूत्र के द्वारा व्यास मतलब चौड़ाई, सात बटे सात धनुष को दस का भाग दिया तो ये क्या हुआ चौड़ाई है, उसको तीन से गुना किया व्यास गुणित घनफल निकाले का सूत्र है ना, व्यास गुणित तीन बराबर परिधि, फिर परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुणा करो तो क्षेत्रफल आता है और क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करो तो घनफल आता है। ये पूरा घनफल निकालने का सूत्र है। तो व्यास कितना है सात बटे दस, सात धनुष का दसवां भाग, उसको तीन से गुना किया और व्यास क्या है वो सात बटे दस ही है और उसका चौथा भाग किया उसे गुना किया और ऊंचाई सात धनुष है। ये सब धनुषों में समझना है, इसका परस्पर गुना करने पर क्या आएगा यहाँ घन क्षेत्रफल आएगा, पूरा स्वस्थान स्वस्थान घनफल आएगा, एक जीव के शरीर के अवगाहना का प्रमाण आता है। तो ये सब क्षेत्र कैसे धनुष प्रमाण में है, इनका क्या करेंगे घनागुल में रूपांतर करने के लिए क्या करेंगे, ये सब धनुषों में है। तो एक धनुष में कितने अंगुल होते हैं, छियानवे अंगुल होते हैं, इसलिए छियानवे अंगुल से क्या करेंगे इसको, ये घनफल रूप संख्या है, इसको छियानवे से गुना करेंगे तो इसका रूपांतर अंगुल में हो जाएगा, धनुष का रूपांतर अंगुल में होगा। अब ये घन संख्या होने से इसके जो गुणकार होंगे वो भी छियानवे का घन से गुणा करना पड़ेगा, छियानवे गुणित छियानवे गुणित छियानवे घन से गुना किया तो धनुष का अंगुलों में रूपांतर हुआ। हाँ वो ऊपर लिखा है घन घन क्षेत्र घन घन लिखा है ना वहां पर। हाँ तो अब यहाँ पर ये अंगुल किसमें है, शरीर की ऊंचाई किससे नापते, उच्छेद अंगुल से, और अपने को क्षेत्र जो निकालना है प्रमाण अंगुल में, क्योंकि सब द्वीप समुद्र आदि जो भी अपन लोक का प्रमाण गिनते हैं वो प्रमाण अंगुल से गिनते हैं, इसलिए अब ये उच्छेद अंगुल का प्रमाण अंगुल में रूपांतर करने के लिए क्या करेंगे 500 के घन से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि उच्छेद अंगुल जो है वो 500 उच्छेद अंगुल बराबर एक प्रमाण अंगुल, 500 उच्छेद अंगुल का एक घनांगुल होता है, एक प्रमाणांगुल होता है, और एक उच्छेद अंगुल का वो प्रमाणांगुल कितना है तो वो एक का 500वां भाग है। उच्छेद अंगुल बराबर प्रमाणांगुल करेंगे तो कितना है वो एक अंगुल का भी 500वां भाग है उस प्रमाणांगुल की अपेक्षा से देखेंगे तो, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 500 के घन से भाग देंगे तो इन उच्छेद अंगुलों का प्रमाणांगुल के रूप में रूपांतर हो जाएगा। प्रमाणांगुल का उच्छेद अंगुल करना है तो 500 से गुना करते हैं तो उतने उच्छेद अंगुल हो जाते हैं, और उच्छेद अंगुल का प्रमाणांगुल में रूपांतर करना है तो उसको भाग देना तो उतने प्रमाणांगुल में रूपांतर हो जाएगा उसका। तो इसको 500 के घन 500 गुणित 500 से भाग दिया तो ये इतने प्रमाणांगुल प्रमाण क्या हो गया इसका क्षेत्र आया। तो ये सब अपन टोटल ये करेंगे तो क्या होगा, ये 500 भागार बड़ा है ना तो घनांगुल का संख्यात्व प्रमाणांगुल की अपेक्षा से जो घनांगुल है उसका भी संख्यात्व भाग एक जीव के शरीर के अवगाहना का प्रमाण होगा, क्योंकि प्रमाणांगुल 500 गुना है ना तो उसकी अपेक्षा से उच्छेद अंगुल की अपेक्षा से जो सात धनुष है वो भी क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, सात धनुष का ही दसवां भाग है वापिस। इसलिए ये सब ऐसे सामान्य रूप से देखो ना, यहाँ पर 10 10 4 अरे 500 500 500 का भाग है और यहाँ 96 96 96 का भाग है, गुना है
और सात सात का गुना करेंगे तो भाज्य राशि बड़ी छोटी आएगी और भागा राशि बड़ी आएगी। तो इस पूरा टोटल जो प्रमाण होगा वो कितना होगा? घनांगुल का संख्यात्वा भाग, एक जीव की अवगाना, मतलब संख्यात घनांगुल प्रमाण अवगाना होती है, लेकिन वो उच्छेद अंगुल की अपेक्षा, प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से उसको देखेंगे तो वो घनांगुल का संख्यात्व भाग ही होगा। उसका कुछ नहीं है, ये घन रूप संख्या होने से 96 तीन बार गुणा किया है, तो ये उच्छेद अंगुल आ गए, और इसके प्रमाण अंगुल करने के लिए 500 का तिनका भाग दिया, तो वो एक घनांगुल का भी संख्यात्व भाग ही आएगा वह टर्म उसके। तो इसका घनांगुल नहीं आता है, वो तो पूरी संख्या जो है मिला करके वो घनांगुल का संख्यात्व भाग आएगा, क्योंकि भाज्य भागा राशि का अपवर्तन करेंगे तो एक का भी संख्यात्व भाग आएगा ना। अब ये सब घनफल होने से घनांगुल में ही आया हुआ है ना, ये पूरा जो घनफल है तो वो घनांगुल के फॉर्मूले में ही आ गया है उत्तर। अब इसका भाज्य और भागा राशि का अपवर्तन करेंगे तो एक घनांगुल का भी संख्यात्व भाग ही आएगा। हाँ, तीन लोकाचा का संबंध है, अंगुल एक अंगुल बाय एक अंगुल बाय एक अंगुल, इसको घनांगुल कहते ना। अंगुल है। अब यहाँ पर एक अंगुल, एक उच्छेद अंगुल की अपेक्षा होता है, एक प्रमाण अंगुल की अपेक्षा होता है, तो प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से जो अपनी ऊंचे अपनी अवगाना है देवों की अवगाना आएगी, प्रमाण अंगुल की अपेक्षा वो संख्यात्व भाग आएगी, और उच्छेद अंगुल की अपेक्षा से देखते तो संख्यात अंगुल प्रमाण है, अपने अभी 5 फीट है और ये है, इसका अपन घनफल निकालेंगे तो उच्छेद अंगुल की अपेक्षा से कहेंगे तो संख्यात गणांगुल प्रमाण होगी, और प्रमाण अंगुल को इससे रूपांतर करेंगे तो उसका संख्यात्व भाग आएगा, क्योंकि वो 500 गुना है ना प्रमाण अंगुल, अपने एक अंगुल को 500 से गुना करो तो उतना बड़ा है प्रमाण अंगुल, तो एक क्षेत्र प्रमाण अंगुल के इसमें निकालना है ना, इसलिए इसको 500 से भाग दिया तो उतने आता है प्रमाण। समुद्घात और कषाय समुद्घात में क्या होता है, आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़कर एक प्रदेश से लेकर के तिगुने तक उसकी विस्तार हो जाता है उसका। अभी जितना अपना मूल शरीर है इससे वेदना समुद्घात में तिगुना हो सकता है, मतलब तिगुना शरीर नहीं होगा, आत्मा के प्रदेश तिगुने फैलेंगे बाहर, और कषाय समुद्घात में भी तिगुने फैलते ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम एक भी प्रदेश बाहर पड़ सकता है, तो एक प्रदेश से लेकर के तीन गुणे तक जो बीच के सभी भेद आ जाएंगे कषाय और वेदना समुद्घात के। तो जैसे अब तिगुना है तो उसका अपन ये निकालेंगे घनफल, तो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाता है। स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र का जो घनफल निकाला है उससे आत्मा के प्रदेश चौड़ाई में तिगुने फैलते हैं, तो उसका यदि घनफल निकालेंगे तो 9 गुना होता है, लेकिन आपने को यहाँ समीकरण करना है, मतलब सभी तीन सभी के आत्म प्रदेश तिगुने नहीं फैलेंगे, किसी के एक प्रदेश, किसी के दो प्रदेश, किसी के तीन प्रदेश, किसी के 1.5 गुना, किसी का 2 गुना, किसी का 3 गुना, ऐसे तो उसके बीच समीकरण करना, मतलब उसका बीच का निकालना, तो 4.5 गुना अपन लेंगे तो वो बीच का समीकरण हो जाएगा, क्योंकि लास्ट और इसको जोड़ो और उसका आधा करो, तो 9 गुना है तो उसका आधा किया तो क्या हो जाएगा, 4.5 गुना, तो मूल शरीर की जो अवगाना है उससे 4.5 गुना क्षेत्र वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात में निकालेंगे, एवरेज निकाल लिया तो कितना हो गया यहाँ पर, ये संख्यात घनांगुल है और उसको 9/2 से गुना करो तो ये वेदना समुद्घात का क्षेत्र है। उनके जीवों की संख्या निकाली थी और उसी को एक जीव की वेदना का जो अवगाना आएगी वेदना समुद्घात की उससे गुना किया तो सभी जीवों का मिला करके क्षेत्र निकला। इसी प्रकार कषाय समुद्घात में भी इतना ही लिया है, संख्या घनांगुल का संख्यात्व भाग स्वस्थान स्वस्थान है और उसको 4.5 गुना किया, एवरेज निकाला
नौ गुना होता है उत्कृष्ट रूप से और जघन्य रूप से एक प्रदेश फैलता है, तो उसके बीच का अपन निकालेंगे तो 4.5 गुना हो जाएगा क्षेत्र, मतलब 1.5 गुना लेंगे बीच का एवरेज, मतलब 1.5 गुने फैलते हैं ऐसा लेंगे, और उसके घनफल निकालेंगे तो 4.5 गुना हो जाएगा, 1.5 का तिगुना किया तो 4.5 हुआ। अब इसी प्रकार विहार व स्वस्थान का क्षेत्र, तो एक देव विहार करते हुए कितना वो जा सकते हैं उसके अपेक्षा से लेना है, तो ये ज्योति भवनत्रिक देवों की अपेक्षा से संख्या है ना, तो कितने वहां तक विहार कर सकते हैं, तो एक क्षेत्र निकाल रहे हैं, स्पर्शन नहीं, इसलिए इसका कितना एकड़ लंबाई तो संख्या योजन प्रमाण आएगी, और उसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई ऊंचाई है, लंबे मतलब ऐसे कितने जाएंगे संख्या योजन, जहां तक वो उन्होंने गए विहार करके, उनका जो उत्तर शरीर उन्होंने भेजा है मतलब वैक्रिया का शरीर, तो वहां तक वो फैल गए आत्मा के प्रदेश, तो यहाँ से लेकर के जहां तक उनकी वो गए हैं आत्मा प्रदेश, वहां तक तो वो लंबाई रूप से फैलने हुए रहेंगे, और उसकी ये चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई मतलब मोटाई जो है उसी को ऊंचाई कहेंगे यहाँ पर, वो कितनी होती है तो सूचंगुल का संख्यात्व भाग प्रमाण, वो आत्मा के प्रदेश वहां तक जो फैलेंगे तो वो किस चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई में फैलेंगे, तो सूचंगुल का संख्यात्व भाग, तो ये सूचंगुल भी प्रमाणांगुल की अपेक्षा से होने से वो संख्यात्व भाग ही आएगा ना, तो सूचंगुल का संख्यात्व भाग उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई ऐसे इतना ही, जैसे मारणांतिक समुद्घात हो या विहार व स्वस्थान हो या वैक्रिक समुद्घात हो, जब वो आत्मप्रदेश फैलते हैं तो जहां तक गए वहां तक तो लंबाई होगी आत्मप्रदेशों की, और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, सूचंगुल का संख्यात्व भाग। अब पॉसिबल अपने विषय नहीं है ना, अपने छद्मस्त का विषय नहीं कि आत्म प्रदेश बाहर फैलते उसका अपन जान नहीं सकते, एक प्रदेश बाहर है। ऐसे एक प्रदेश बाहर नहीं आया, एक प्रदेश प्रमाण विस्तार फैल गया, फैल गया तो सभी ओर से एक प्रदेश आएगा ना बाहर ऐसे। तो यहाँ पर इसलिए विहार व स्वस्थान का क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्यात योजन प्रमाण उसकी लंबाई है और सूचंगुल का संख्यात्व भाग चौड़ाई, सूचंगुल का संख्यात्व भाग उसकी ऊंचाई, मोटाई ऊंचाई दोनों लेना, कभी कभी मोटाई को ही ऊंचाई कहते हैं और ऐसे लंबाई हो जाती है, और ऐसा जब खड़ा रहते हैं ना तो यहाँ पर ये ऊंचाई ले जाती है। तो इसका यदि अंगुल में रूपांतर करेंगे तो कितने होंगे, संख्यात घनांगुल होंगे, क्योंकि योजन है ना संख्यात योजन है, तो इसके जो अंगुल और ये संख्यात योजन तो प्रमाणांगुल की अपेक्षा से ही है, इसलिए इसका अंगुल में रूपांतर करेंगे तो संख्यात घनांगुल हो जाएंगे। तो इसलिए विहार व स्वस्थान क्षेत्र कितना आता है, संख्यात घनांगुल प्रमाण आता है, तो इसको संख्यात घनांगुल से जीवों की संख्या है विहार व स्वस्थान जीवों की, और उसको संख्यात घनांगुल से अपन ने गुना किया तो क्या हो गया, ये सब क्षेत्र पहले अपन ने जीवों का प्रमाण निकाला था, उसी को एक एक जीव का जो क्षेत्र आता है उससे गुना करते गए, तो पूरे संपूर्ण जीवों का मिला करके क्षेत्र निकलता है, मतलब तेजो दशा वाले जीवों ने विहार करते हुए इतने क्षेत्र को रोका है। हाँ 7,68,000 इतने अंगुल होते हैं। सब मिलाकर के संख्यात घनांगुल हो जाएंगे ना, वो वो सब ये ही इतना संख्यात घनांगुल है, और उसमें सूचंगुल के संख्यात्व भाग से गुना करेंगे तो वो घनांगुल ही रहेंगे ना, बढ़ेंगे कैसे, वो सूचंगुल का संख्यात्व भाग से तो अपने गुना किया है, तो संख्यात घनांगुल में थोड़ा बढ़ जाएगा, इतना ही होगा। तो क्या होगा, फिर ये विहार व स्वस्थान क्षेत्र हुआ, ये सब क्षेत्र हो गए, पहले अपन ने जो जीवों का प्रमाण निकाला था उसी को क्षेत्र से गुना किया तो क्षेत्र निकल गया।
ऐसे ही वैक्रियक समुद्घात का क्षेत्र भी निकालना, वो भी संख्यात घनांगुल होगा। पच्चीस पेज पर देखना है। ये संख्यात घनांगुल प्रमाण इसको गुणा किया तो ये वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र निकला। ने पहले क्या निकाला कि जीवों की संख्या निकाली, और जीव कितने हैं तो एक भाग का भूभाग, एक भाग का भूभाग, एक भाग का भूभाग ऐसे है। फिर एक जीव का क्षेत्र निकालो और उसको गुना करो जीव राशि से, तो सब जीवों का मिला करके क्षेत्र आता है। स्पर्शन न होने से पूरा क्षेत्र नहीं आता है ना, जितने जीव एक एक जीव ने रोका हुआ है, और 10 जीवों ने कितना रोका है, एक जीव ने इतना रोका है, तो 100 जीवों ने कितना रोका हुआ है, ऐसा वो घन सामान्य निकलेगा। अब इसके बाद मार्मान्तिक समुद्घात का क्षेत्र निकालना है। कितना? तो ये 4.5 गुना किया ना, जो अपना मूल शरीर की अवगाना है घनांगुल का संख्यात्व भाग, उसको 9/2 से गुना किया, मतलब 4.5 गुना हो गया। ये 4.5 गुना और ये भी 4.5 गुना है, इसलिए 9/2 मतलब 4.5 होता है। और ये घनांगुल और वो भी घनांगुल है। अपन ने देखा था कि अशुभ लेशा वालों का तो पूरा लोक था, और शुभ लेशा वालों का देखो इतना क्षेत्र कम है, शुभ लेशा की दुर्लभता समझ में आती है, क्योंकि अशुभ लेशा की बहुलता है ना, और शुभ लेशा वाले ने तो इतना सा क्षेत्र रोका हुआ है, वो तेरे लोग का भी कम भाग है, असंख्यात्व भाग। अब मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पर मरने वाले जीवों का प्रमाण जहाँ ज्यादा होगा उसकी अपेक्षा से क्षेत्र ज्यादा निकलेगा। तो ज्यादा मरने वाले जीवों की संख्या का है व्यंतर देवों की है, क्योंकि उनकी आयु कम से कम 10,000 वर्ष है, तो वो उस वहाँ से मरने वाले जीव ज्यादा होंगे। तो व्यंतर देवों की ज्योतिष को देवों की जो जगन्य आयु है वो भी असंख्यात वर्ष ही है ना, इसलिए उनको नहीं लिया, उनके मतलब बहुत काल बाद मरेंगे जीव ज्यादा, इसलिए एक समय में मरने वाले जीवों की संख्या कम होगी। तो या व्यंतर देवों की अपेक्षा से संख्या लेकर के निकालते हैं उसको, तो व्यंतर देवों की जो संख्या है उसको 10,000 वर्ष के जो समय होते हैं उससे भाग दो, तो एक समय में कितने जीव मरेंगे उसका एक सामान्य रूप से प्रमाण आएगा। व्यंतर देवों की संख्या 10,000 वर्ष के समय, इसका भाग दिया तो एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण आएगा। तो एक समय में कितने व्यंतर देव मरते हैं, अब ये जो एक समय में मरने वाले देवों की संख्या होगी उससे रुजु गति से जाने वाले और विग्रह गति से जाने वाले, तो विग्रह गति से जाने वाले जीव ज्यादा होंगे और रुजु गति से जाने वाले कम है, एक भाग रुजु गति से जाने वाले और बहुभाग प्रमाण विग्रह गति से जाने वाले। तो ये व्यंतर देवों की जो राशि है वो कितनी है, जगत प्रतर भागिले पन्नट्टी प्रतरांगुल गुणित 81 और उसके ऊपर 10 जीरो आते हैं, उसकी संतुष्टि ऐसे लिखने की पद्धति है, 10 लिखो और उसके ऊपर जीरो, मतलब इसका अर्थ समझना कि 10 जीरो 81 के, मतलब 300 योजन का वर्ग का भाग जगत प्रतर में देते हैं। ये पहले भी गाथा में आ गया ना, पहले आया था कि जगत प्रतर को पन्नटी प्रतरांगुल से भाग देते तो ज्योतिष का देवों का प्रमाण आता है। जगत प्रतर में 300 योजन का भाग देते हैं, 300 योजन के वर्ग का, तो व्यंतर देवों की राशि आती है। 600 योजन के वर्ग का भाग देते हैं तो तिर्यंचों की राशि आती है, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच के। तो यहाँ पर व्यंतर देवों का प्रमाण लेना है, क्योंकि 300 योजन के वर्ग का अपन अंगुल में रूपांतर करेंगे तो वो इतना आता है, वो भी पहले एक दो बार आ गया था, अपने किया था, मतलब उसके जो योजन है 300 योजन, संक्षेप में बताती हूँ। फिर इसका अंगुल में रूपांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 7,68,000 एक योजन के अंगुल होते हैं और उसका वर्ग करना है ना 300 योजन का, तो दो बार
इसको 7,68,000 से गुना करेंगे तो ये अंगुलों में रूपांतर होगा। फिर इसका सब गुणकार और ये करेंगे तो 81 के ऊपर 10 जीरो आते हैं और पन्नटी प्रतर अंगुल आते हैं। हाँ 300, हाँ 300 योजन का वर्ग वर्ग करना है ना इसको, तो अंगुलों में रूपांतर करने के लिए 7,68,000 दो बार गुना किया वर्ग रूप संख्या होने से। और इसका आप करके देखो, थोड़ा आपको भी पढ़ाई ये चाहिए ना अभ्यास, घर का तो वो करके देखो आता है कि नहीं है, क्योंकि इसको 7,68,000 है ना, इसको 256 से करना डिवाइडेड, ऐसे 256 × 3 और ये भी 256 × 3 है, फिर वो 256 यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये दो जेरो, ये तीन जेरो और ये तीन जेरो, यहाँ चार जेरो हो जाएंगे, 300 योजन का वर्ग करेंगे ना तो ये चार जेरो हो जाएंगे, तो ये 300 × 300 होगा हो जाएगा ना, 300 × 300 कितना हो जाएगा वहाँ पर 9 के ऊपर चार जेरो आए जाएंगे, ये योजन हो गए। फिर इसके चार जेरो, ये तीन जेरो और ये तीन जेरो मिला करके 10 जेरो हो गए, और फिर जो 256 गुणित करेंगे तो पन्नटी हो गई, और ये 3 × यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, हो गए 81 तरह हो गए, ये 9 × 3 27 × 3 81 और 256 × 256 पन्नटी, और ये 10 जेरो उसके ऊपर, तो हाँ नहीं इतने प्रतरांगुल प्रमाण ही आए ना, ये अंगुलों में रूपांतर किया तो ये अंगुलों योजन का अपन ने अंगुलों में किया तो जो लब्ध आया तो इतने प्रतरांगुल प्रमाण, पन्नटी गुणित 81 के ऊपर 10 जेरो 81,000,000,000 हो जाएगा, 81,000,000,000 बोलो उसको, 81,000,000,000 10 जेरो है तो उसको क्या बोलेंगे, 81,000 और ऊपर लाख हो जाएगा, और ये प्रतरंगुल, तो इतने भी अंतर देवों की संख्या है। क्या किया अपने, 10,000 वर्ष के समयों का भाग दिया, तो इनके समय कितने हुए, तो एक आवली के समय कितने है असंख्यात है, फिर उसको एक आवली को संख्यात से गुना करो तो मुहूर्त हो जाएगा, और उसको 10,000 वर्षों के मुहूर्त है तो उसे गुना करो, तो समयों की संख्या निकालना, इसके समय से भाग देना ना, तो 10,000 वर्ष के समयों के लिए क्या संतुष्टि दी, असंख्यात गुणित संख्यात गुणित संख्यात, ऐसा क्यों किया, तो एक आवली में समय कितने होते हैं असंख्यात, जगनयुक्त संख्यात प्रमाण समयों की एक आवली होती है, और वो संख्यात आवली गुना किया तो संख्यात आवली का एक मुहूर्त होता है और संख्यात मुहूर्त के वर्ष होते हैं, इसलिए इतना उसका प्रमाण लिखा, इस समयों का प्रमाण 10,000 वर्ष के समयों का प्रमाण, तो इसको भाग दिया तो एक समय में इतने जीव मरते हैं, अंतरराशि में से इतने देव मरेंगे। अब ये मरने वाले देवों की संख्या हुई, इसमें से रुजु गति से जाने वाले और विग्रह गति से जाने वाले, रुजु गति से जाने वाले एक भाग जीव है तो उसको पल्ले के असंख्यात के भाग का भाग दिया तो एक भाग ये रुजु गति वाले होंगे, और बहुभाग जो है वो विग्रह गति वाले होंगे, क्योंकि विग्रह गति वालों की अपेक्षा से ज्यादा समुद्गत मारना समुद्गत क्षेत्र आएगा ना, इसलिए वो मोड़ा सहित है तो उतना लंबा क्षेत्र आता है, तो इसमें से क्या निकालना अपने को, विग्रह गति से जाने वाले जीव, तो विग्रह गति से जाने वाले कितने भूभाग प्रमाण है, एक भाग प्रमाण रुजु गति से थे और ये विग्रह गति से गमन करने वाले मतलब मरण करके जाने वाले जीवों की संख्या है, विग्रह गति से जाने वाले। अब उसमें भी जो मरने वाले जीव है वो सब मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, तो विग्रह गति से जाने वाले जीवों में भी वो भाग जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं और एक भाग जो मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, तो इसमें से मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापिस इसको पल्ले के असंख्या पे भाग का भाग दिया तो एक भाग बिना मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों की संख्या होगी और बहुभाग जो है वह मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों की संख्या होगी,
तो यहाँ पर अपन ने एक भाग ये था ना उसी को ये किया, और एक बार पल एक कम पल्ले के संख्या पे भाग का भाग देंगे तो ये क्या हुए मारणांतिक समुद्घात। विग्रह गति से तो जा रहे हैं लेकिन मारणांतिक समुद्घात भी कर रहे हैं, ऐसे जो विग्रह गति से जाने वाले और मारणांतिक समुद्घात करने वाले। मैं इसे से मैं कर रही हूँ आप समझना। फिर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों में दूर मारणांतिक करने वाले और समीप मारणांतिक समुद्घात करने वाले ऐसे दो निकालेंगे। तो दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले कम है और समीप मारणांतिक समुद्घात करने वाले ज्यादा है। तो समीप मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, वापिस इसको पल्ले के असंख्यात्वे भाग का भाग देंगे और एक कम पल्ले के असंख्यात्वे भाग से गुना करेंगे। तो ये समीप मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव आएंगे और एक भाग प्रमाण जो है ये समीप और जगत प्रतर भागेले प्रतरांगुल पन्नठी गुणित 81 दस जेरो असंख्यात संख्यात संख्यात पल्ले का संख्यात्व भाग पल्ले का संख्यात्व भाग ये बहुभाग निकाला और उसका एक भाग जो निकालेंगे वह इतना ही रहेगा। ये एक कम पल्ले का संख्यात्व भाग गुना नहीं होगा क्योंकि बहुभाग निकालने के लिए एक कम पल्ले का संख्यात्व भाग से गुणा करते हैं और वो एक भाग है ये बहुभाग है। तो ये दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण निकल गया तेजोलिशा में दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों की संख्या। इसको एक भाग के लिए एक से गुणा करो तो भी चलता है। नहीं नहीं अंतर जो है वो देव मरण करके तिरंचों में पैदा होने वाले है मनुष्यों में नारकी क्यों बनेंगे वो तेजोलेशा का निकाल रहे हैं ना अपन। वो देव भवनत्रिक में या सौधर्म द्विक में देव मनुष्य तिरंचे देव होने वाले हैं। वो दूर में मतलब सौधर्म द्विक में जाने वाले हैं क्योंकि वो डेढ़ राज्य उसकी हो जाएगा ना दूर मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकाल रहे हैं वो व्यंतर देव उनकी अपेक्षा से निकाल रहे हैं ना, इसलिए व्यंतर देव तो सौधर्म द्विक में पैदा नहीं होंगे। व्यंतर मरण करके यही पर तिर्यंश मनुष्य होंगे तो वहां पर दूर मारणांतिक समुद्घात कितना होगा एक राज्य का संख्यात्व भाग क्योंकि कहीं पर भी कहीं से वहां जाएंगे वो लंबे प्रमाण तो एक राज्य बाय एक राज्य के भीतर ही होगा ना वह तो संख्यात राजू का संख्यात्व भाग लिया है या बीच में है तो इधर गए या इधर गए या इधर गए कहीं पर भी पैदा हो गए तो और एक राजू का संख्यात्व भाग प्रमाण उसका दूर मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकाला है। यहाँ पर पहले अपन ने क्या निकाला वापिस एक बार रिवीजन करो, एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण निकाला, फिर इसका एक भाग रुजु गति से जाने वाले बहुभाग विग्रह गति से जाने वाले इसलिए एक एक गुणकार आया, फिर उसमें मारणांतिक समुद्घात करने वाले बहुभाग और नहीं करने वाले एक भाग तो इसलिए दूसरा आया। वापिस वो मारणांतिक समुद्घात करने वालों में समीप मारणांतिक समुद्घात करने वाले बहुभाग और दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले एक भाग तो ये एक भाग निकाला था। तो एक समय में मरने वाले जो उनकी अपेक्षा से अपन ने किया। अब मारणांतिक समुद्घात का काल क्या है अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त समयों में एकत्र जीव हो जाएंगे ना, एक समय में इतने मारणांतिक समुद्घात करने वाले तो अंतर्मुहूर्त में कितने तो उन सब जीवों का प्रमाण आएगा, इसलिए इसको अंतर्मुहूर्त के समयों से गुना करो तो अंतर्मुहूर्त काल में संचित हुए मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण आएगा। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त के समय कितने, एक आवली के समय असंख्यात और संख्यात आवलियों का अंतर्मुहूर्त, इसलिए असंख्यात और संख्यात से गुना किया तो ये क्या निकले अंतर्मुहूर्त काल में मारणांतिक समुद्घात करने वाले दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण है। अब इसको एक जीव की अपेक्षा से जो दूर मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र आता है उससे गुना करेंगे तो एक जीव की अपेक्षा से एक जीव कितना लंबा जाएगा तो एक राजू का संख्यात्व भाग, तो एक जगत श्रेणी उसको सात का भाग दिया तो एक राजू हो गया।
और इसका भी क्या करना है, संख्यात्वा भाग करना है। तो संख्यात से इसको वापिस भाग दिया तो एक राजू का संख्यात्वा भाग हुआ। इसकी इतनी लंबाई, लंबे तो इतने गए, और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई अभी बताया था कितना है, सुचंगुल का संख्यात्वा भाग। इसलिए सुचंगुल भागिले संख्यात गुणिले सुचंगुल भागिले संख्यात, इन तीनों को परस्पर गुणा करेंगे तो क्या निकालेगा, घनफल आएगा इसका। तो यहाँ पर ये सुचंगुल और सुचंगुल गुणिले प्रत्रांगुल होता है, तो जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग गुणित प्रत्रांगुल का संख्यात्वा भाग। असंख्य जगत श्रेणी कहाँ है, ऐसा कहाँ है, उसको वैसा मत कहो ना, ये एक राजू है, ये जगत श्रेणी का सातवां भाग मतलब राजू का प्रमाण हो गया। तो फिर इस राजू का संख्यात्वा भाग गुणित प्रत्रांगुल का संख्यात्वा भाग ऐसा कहेंगे, राजू का संख्यात्वा भाग गुणित प्रत्रांगुल का संख्यात्वा भाग ऐसा, मतलब जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग कह सकते हैं, संख्या जगत श्रेणी नहीं कहना, जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग को प्रत्रांगुल के संख्यात्वे भाग से गुणा किया। हाँ, जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग गुणित प्रत्रांगुल का संख्यात्वा भाग, इतना उसका क्या आया, ये है एक जीव का तुर मारणांतिक समुद्घात करते हुए इतने क्षेत्र को एक जीव रोकता है, तो इतने जीव एक समय में मारणांतिक समुद्घात करने, एक समय में अंतर्मुहूर्त में संचित हुए जीव इतने हैं, तो इस क्षेत्र से गुणा करेंगे तो संपूर्ण सब जीवों के क्षेत्रों का प्रमाण आता है। भागेले सात सुचंगुल प्रत्रांगुल भागेले संख्यात, इससे गुणा किया ये परस्पर, तो ये क्या निकला, मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र, इसी के भीतर बाकी के जीवों का भी गर्भित हो गया। ये मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकाल रहे थे ना, वो क्षेत्र आ गया। क्या क्या की प्रोसीजर वो ध्यान में रखना, तो सरल है, बाकी कुछ नहीं है। पहले दूर मारणांतिक समुद्घात जीवों का प्रमाण निकाला, फिर एक अंतर्मुहूर्त में दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव, फिर एक जीव का मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र, उसको गुणा किया परस्पर। दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों मतलब मारणांतिक समुद्घात का पूरा क्षेत्र आ गया, और अंतरराशि की अपेक्षा से निकाला है, इसमें बाकी के सब जीवों का ऐड हो जाएगा, उसमें गर्भित हो जाएगा। अब तेजोलेशा का तेजस समुद्घात का क्षेत्र निकालते हैं, उपपात का क्षेत्र भी, हाँ उसकी अपेक्षा निकालेंगे, तेजोलेशा का उपपात का क्षेत्र उधर से निकालेंगे। अब तेजोलेशा वाले राशियों के तेजस समुद्घात करते हैं, छठे गुणस्थान में मुनिराज है और उनके तेजस पुतला निकला, तो उस समय तेजस समुद्घात कहा जाता है, तो तेजस समुद्घात का क्षेत्र करने वाले जीव कितने होंगे, मुनि संख्या थी है और तेजस समुद्घात करने वाले तो और भी कम हो जाएंगे, तो संख्या थी उनका प्रमाण है, संख्या जीव है, और एक जीव का तेजस समुद्घात का क्षेत्र निकालेंगे, तो वो जो पुतला निकलता है वो कितना लंबा निकलता है, 12 योजन उसकी लंबाई, और एक नौ, हाँ नौ योजन उसकी चौड़ाई, ऐसे चौड़ाई 9 योजन, लंबाई 12 योजन, और उसकी जो मोटाई है वो सुचंगुल का संख्यात्वा भाग, ऐसा वो पुतला होता है तेजस समुद्घात का, तो 12 योजन गुणित 9 योजन गुणित सुचंगुल का संख्यात्वा भाग। तीनों का मिला करके घनफल निकालेंगे तो कितना होगा, वह संख्यात घनांगुल प्रमाण ही होगा ना, और ये संख्यात जीव, जीवों का प्रमाण, और एक जीव का क्षेत्र इतना, इसका यह योजनों का अपन ने अंगुल भी रूपांतर किया, तो 768,000 अंगुल होंगे उसके एक योजन के, और उसको 12 से गुना करेंगे तो संख्यात ही होंगे, तो संख्यात इस पूर्ण क्षेत्र कितना निकलेगा, संख्यात घनांगुल प्रमाण, तीनों अंगुल हो जाएंगे ना,
तो घनांगुल हो जाएगा। तो संख्यात घनांगुल प्रमाण एक जीव का क्षेत्र, तो संख्यात जीवों का क्षेत्र निकालने के लिए संख्यात से गुणा किया, तो इतना तेजस अमृतघात का क्षेत्र है। तेजोलेशा में तेजस अमृतघात का क्षेत्र कितना होगा? तो ये संख्यात जीव संख्यात घनांगुल प्रमाण जगह को रोकेंगे, तो इतना संख्यात घनांगुल प्रमाण ही उसका क्षेत्र आएगा। इसी प्रकार आरक समुद्घात का भी क्षेत्र निकलेगा, क्योंकि आरक समुद्घात करने वाले जीव भी कितने हैं? संख्यात ही है, और उनके जो जाते हैं वो कितने? ढाई द्वीप में ही जाते हैं। तो ढाई द्वीप में कितना लंबा जाएंगे? 45 लाख योजन के भीतर ही जाएंगे, इसलिए वो भी संख्यात योजन होंगे। वहाँ कुछ फिक्स नहीं, यहाँ जैसे फिक्स है 12 योजन और 9 योजन, वहाँ पर संख्यात योजन क्या हो जाएगा? उसकी लंबाई जो आरक समुद्घात का पुतला निकलता है, तो वो संख्यात योजन होंगे। और संख्यात योजन उसकी लंबाई है, और चौड़ाई और मोटाई कितनी है? सूच्यंगुल का संख्यात वा भाग, सूच्यंगुल भागिले संख्यात, चौड़ाई भी उतनी और उसकी मोटाई ऊंचाई भी सूच्यंगुल का संख्यात वा भाग। तो ये इसका अंगुल करेंगे ना, 7,68,000 उन्हें 7,68,000 अंगुल, फिर सूच्य अंगुल, ये तीनों को गुना करेंगे तो घनांगुल हो गए ना। सूच्य अंगुल में कहा बोला दीदी? तो गुना करेंगे तो अंगुल 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 गुना करेंगे तो घनांगुल होगा कि नहीं होगा? और ये सब इसका गुना करेंगे तो संख्यात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर ये आहारक समुद्घात का क्षेत्र निकल रहे थे, तो आरक समुद्घात का जो क्षेत्र है एक जीव का भी कितना आएगा? संख्यात घनांगुल प्रमाण ही आएगा, क्योंकि योजनों के अंगुल करेंगे तो संख्यात घनांगुल अंगुल आएंगे, और ये तीनों को गुणांग परस्पर गुणा करेंगे तो संख्यात घनांगुल होंगे, और जीव कितने हैं? संख्यात ही जीव है, तो आरक समुद्घात का क्षेत्र भी क्या आएगा? संख्यात घनांगुल प्रमाण आएगा। तेजोलेशा वाला ने आरक समुद्घात में इतना क्षेत्र रोका हुआ है। अब एक रह गया तेजोलेशा का उपपाद क्षेत्र निकालना, रह गया का उपपाद क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर उपपाद क्षेत्र जो है वो यहाँ तिर्यंच मरण करके सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं उनकी अपेक्षा से अधिक आएगा, क्योंकि सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की जो दूरी है वो ज्यादा है। तो उपपाद क्षेत्र निकालते समय सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देवों की मुख्यता से निकाला, तो वहां पर उत्पन्न हुआ जीव वहां से मरा हुआ इधर उत्पन्न होने वाला नहीं लेना, तिर्यंच मरण करके सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में जा रहा है, तो उसकी अपेक्षा से क्षेत्र तिर्यंच, इसलिए कि ज्यादा तिर्यंच ही होंगे ना, मनुष्य तो संख्यात ही होंगे, असंख्या जो है तिर्यंच मरण करके सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में जन्म ले रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा से उपपाद क्षेत्र जो निकलेगा वो ज्यादा आएगा, इसलिए उस अपेक्षा से निकालना। तो उसमें पहले सबसे पहले क्या निकालना कि एक समय उपपाद का एक ही समय है, उसमें उपपाद करने वाले जीव कितने होंगे उसका निकालेंगे ना। तो यहाँ एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण, तो ये कितने हैं? तेजोलेशा वाले सौधर्म ईशानवर्ती जीव मध्य लोक से दूर क्षेत्र होते हैं, उनके क्षेत्र का परिमाण क्या है? ज्यादा है। तो जीवों का प्रमाण निकालने के लिए कितना होगा? जगत श्रेणी गुणित घनांगुल का तीसरा वर्गमूल, ये सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की संख्या कितनी है? जगत श्रेणी गुणित घनांगुल का तीसरा वर्गमूल, इतनी राशि है। अब इसमें वो सब प्रमाण निकालेंगे, एक भाग जो है वो मरने वाले जीव, इसमें जो है पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दो, एक भाग जीव मरने वाले जीवों का आएगा एक समय में मरने वाले, फिर उसमें वापिस पल्ले का असंख्यात भाग का भाग दे करके भूभाग निकालो, तो वह भूभाग जो विग्रह गति से जाने वाले रुजु गति से जाने वाले एक भाग रहेंगे, अभी जैसे निकाला था ना वैसा ही सब, हमेशा ये उसकी क्या बोलते हैं सरासरी प्रमाण है ऐसा, कि मरने वाले जो एक भाग, फिर मरने वालों में रुजु गति से जाने वाले एक भाग, भूभाग विग्रह गति से जाने वाले, भूभाग विग्रह गति से जाने वालों में मारणांतिक समुद्घात करने वाले बहुभाग, एक भाग मारणांतिक समुद्घात न करने वाले, फिर बहुभाग मारणांतिक समुद्घात करने वालों में जो एक भाग है वो दूर सा मारणांतिक समुद्घात करने वाले,
तो ऐसा निकालेंगे तो ये क्या निकला, एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण। फिर उतने ही उत्पन्न होंगे, जितने मरते उतने ही वहां पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उपपाद का वो प्रमाण निकल जाएगा। तो पल्ले का असंख्यातवे भाग का भाग दिया और बहुभाग लिया तो ये विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण आएगा। फिर उसमें वापिस पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग दिया तो एक भाग तो मरणांतिक समुद्घात न करने वाले और बहुभाग मरणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण आएगा। फिर मरणांतिक समुद्घात करने वालों में भी दूर मरणांतिक करने वाले एक भाग होंगे, इसको वापिस पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग दिया तो दूर मरणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण आएगा। और बहुभाग जो है वह समीप मरणांतिक समुद्घात करने वाले जीव आएंगे। उसमें भी उपपाद जीवों का प्रमाण निकालने के लिए वापिस उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग दिया। ये मरणांतिक समुद्घात के जीव निकले, दूर मरणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण। और दूर मरणांतिक समुद्घात करने वाले जो जीवों का प्रमाण है उसमें से उपपाद में पाए जाने वाले जो जीव है वे कितने होंगे, एक भाग प्रमाण होंगे। इसलिए इसको वापिस पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग दिया, क्योंकि मरणांतिक समुद्घात अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, उसमें उपपाद करने वाले जीव जो है वो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण होंगे। तो उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग से भाग दिया तो इतने जीव क्या हो गए, उपपाद जीवों का प्रमाण हुआ। जीवों का भी पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग दो उतने उपपाद में पाए जाएंगे जीव। तो उपपाद करने वाले जीव मतलब एक समय ही आएंगे ना वहां पर, एक समय वाले आएंगे। हाँ, उसमें भी जो उत्पाद में अभी स्थित होंगे वो कम ही होंगे ना, मरणांतिक समुद्घात में जितने हैं उससे उत्पाद में जो जीव है वो कम है। और ऐसे वास्तव में देखा जाए तो ये मरणांतिक समुद्घात करने वाले कौन होंगे, ये सौदर महिषान स्वर्ग के देव दूसरी जगह मरणांतिक समुद्घात कर रहे हैं और यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं सौधर्म और ऐशान में, वो तिरेंच जो वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं उसके सौधर्म ऐशान के पहले समय में है और ये सौधर्म ऐशान से मरण करके दूसरी गति में जा रहे हैं, वो लास्ट के अंतर्मुहूर्त में है जीव। तो इसलिए उपपात में जो है वो इसका भी पल्ले का संख्यात्व भाग पाया जाएगा अलग अलग तरीके। तो ये दूर मरणांतिक कर रहे हैं वो मरण करके तिरेंच में मनुष्य में पैदा होंगे वो अलग, ये सौधर्म ऐशान स्वर्गवासी, लेकिन वहां जो उत्पन्न हो रहे हैं जीव वो इस मरने वालों की मरणांतिक समुद्घात में जो स्थित होंगे उसकी अपेक्षा से एक भाग है पल्ले का असंख्यातवे भाग। क्योंकि अभी यहाँ तिरेंच मरण करके वहां जा रहा है ना, उसकी अपेक्षा से क्षेत्र निकालेंगे तो तिरेंच मरण करके सौधर्म ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है तो उस एक जीव का उपपाद इतने सौधर्म ऐशान में उत्पन्न हो रहे जीव ऐसा लेना, इतने उत्पन्न हो रहे हैं तो एक तिरेंच जीव का क्षेत्र कितना होगा उपपाद का क्षेत्र, तो वह डेढ़ राजू दूर है तो उसको डेढ़ एक राजू का प्रमाण क्या, जगत श्रेणी बटे सात। और डेढ़ राजू करने के लिए क्या करेंगे, तीन बटे दो से गुना किया तो ये डेढ़ राजू हुआ। डेढ़ राजू तो लंबाई है और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, पूर्व शरीर को के आकार में ही आता है ना, जो पूर्व अनुपूर्वी नाम कर्म का जब उदय होता है तो पुराना जो शरीर था उसी आकार में वहां आत्म प्रदेश फैलेंगे तो इसलिए संख्या सूच्यंगुल उसकी चौड़ाई होगी और संख्या सूच्यंगुल उसकी लंबाई होगी। इसलिए वहां पर संख्यात सूच्यंगुल लंबा चौड़ाई और संख्या सूच्यंगुल लंबाई। मरणांतिक समुद्घात में वगैरह फैलते हैं तो उसकी चौड़ाई लंबाई सूच्यंगुल का संख्यात्व भाग होती है, लेकिन यहाँ उपपात में जा रहे तो अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से वहां जा रहे हैं तो जो पूर्व शरीर था उन्होंने छोड़ा हुआ उसी चौड़ाई और मोटाई और उसमें जाएंगे और लंबाई जहां तक पैदा होना है वहां तक होगी। इसलिए डेढ़ राजू लंबाई, संख्या सूच्यंगुल चौड़ाई और संख्या सूच्यंगुल उसके
मोटाई है या ऊंचाई है, तो इसका परस्पर गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ संख्यात सूचंगुल सूचंगुल प्रतरांगुल हो जाएगा, संख्यात प्रतरांगुल, तो डेढ़ राजू गुणित संख्यात प्रतरांगुल, ये प्रतरांगुल है चार, मतलब चार मतलब प्रतरांगुल का प्रमाण है। तो इतना एक जीव की अपेक्षा से उपपद का क्षेत्र हुआ, ये सूचंगुल गुणिले सूचंगुल प्रतरांगुल हुआ, और ये संख्या संख्यात का संख्याति आया, और डेढ़ राजू प्रमाण ये वैसा ही रखा। हाँ उपाद वाले जीव है अलग और उपाद वाले जीव अलग है, ये वहाँ सौदर्मेशान में उत्पन्न हो रहे, तो सौदर्मेशान मतलब देव देवायु का उनको उदय चालू हो गया उपाद में। तो ये इतने जो उपाद वाले निकाले थे उसको इस क्षेत्र से गुना करो तो उपाद क्षेत्र आ जाएगा ना, ये डेढ़ राजू गुणित प्रतरांगुल गुणिले संख्यात, इतना उपाद का क्षेत्र आता है। मतलब त्रियंचे जो मरण करके सौधर्म रेशान में उत्पन्न हो रहे उसकी अपेक्षा से ज्यादा क्षेत्र निकलेगा उपाद का। वहां से मरण करके इधर क्यों नहीं लेना ये बताओ, उधर सौधर्म रेशान से मरण करके इधर आने वाले त्रियंचे में पैदा होने वाले जीव वो क्यों नहीं लेंगे? हाँ तो तेजो रेशा का अपन निकाल रहे तो वो तेजो रेशा नहीं रहेगी, वो सौदर्मेशान स्वर्ग के देव यदि मिथ्या दृष्टि होकर ही त्रियंच में आएंगे, और त्रियंच और मनुष्य को मिथ्यात्व अवस्था में नियम से अशुभ लेशा ही होती है, तेजोलेशा नष्ट हो जाएगी वहां पर, इसलिए वो उधर से नहीं निकालेंगे। लेकिन त्रियंच सौदर्मेशान में पैदा होंगे तो तेजोलेशा सही जाएंगे, तो वहां पर उनके पहले समय में तेजोलेशा रहती है सौदर्मेशान स्वर्ग के देव में वहां पर, इसलिए वहां त्रियंच मरण करके सौदर्मेशान में पैदा हो रहा है उनकी अपेक्षा से उपाद क्षेत्र निकाला है, उससे अपेक्षा से अधिक निकलता है। अपेक्षा से बताया था स्वस्थान स्वस्थान विहारवत वेदना कषाय और वैक्रियक, फिर उसके बाद मारणांतिक समुद्घात लिया, फिर तेज समुद्घात आहारक समुद्घात और ये उपाद क्षेत्र, इस प्रकार नौ प्रकार से क्षेत्र बताया। अब पद्मलेश का भी नौ पदों की अपेक्षा से क्षेत्र बताते हैं। अपने उपयोग को एकाग्र करते हुए इस शरीर में स्थित निज ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा की तरफ देखिए। मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, इस मेरे ध्रुव स्वरूप में लेशा नहीं है, मैं शुभ और अशुभ लेशाओं से अत्यंत भिन्न एक जीव हूँ, देखिए अपने को। मैं अनादि अनंत लेशा रहित अलेशा स्वरूप अकषाय स्वरूप निर्योग स्वरूप जीव हूँ, देखिए भीतर। मैं परद्रव्य के क्षेत्र से भी भिन्न हूँ, तेजोलेशा का क्षेत्र मेरा नहीं है, मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशों में स्थित अपने स्वक्षेत्र में ही विराजमान हूँ। अपने को अपने क्षेत्र में देखिए, यह मैं स्वक्षेत्रस्थ हूँ, सदैव स्वस्थान में रहने वाला ही हूँ, अपने स्वस्थान से कभी भी च्युत नहीं हूँ, देखिए अपने को। अपने क्षेत्र को खोजिए, मेरे असंख्यात प्रदेश ही मेरा क्षेत्र है, इस सीमा के बाहर मैं नहीं हूँ, मैं किसी परद्रव्य का स्पर्श करने वाला नहीं हूँ, मैं अपने स्वभाव का ही स्पर्श करने वाला हूँ, जानिए।
मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्र अन्य क्षेत्रस्थ नहीं हूँ, क्षेत्र को जान रहा हूँ पर क्षेत्र में स्थित होने वाला नहीं हूँ। जानिए स्वयं सिद्ध स्वरूप स्वस्थ स्वरूप शुद्ध चिदानंद स्वरूप निर्योग स्वरूप निर्माण स्वरूप आनंद घन स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायानं नमो लोए सौवसाऊ।